नमस्कार, मैं हूं कुलजीत यादव और आप देख रहे हैं नेशन स्टार। बिहार में अब सत्ता का समीकरण बदलने में कुछ समय ही बाकी रह गया है। सिर्फ एक मुद्दे पर दो पार्टियों के बीच बात अटकी हुई है, बाकी सारे मुद्दों पर दोनों तरफ से हाँ हो चुकी है। अगर ये एक मुद्दा भी बहस के दायरे में बाहर हो गया तो बिहार में वो हो सकता है जो किसी को उम्मीद नहीं है। हालांकि पहले तारीख 25 जनवरी तक ही तय थी, लेकिन हमारे उसी अतिविश्वसनीय सूत्र ने बताया कि सब कुछ सेट हो चुका है, बस एक मुद्दे पर बात फंसी है। हालांकि लग रहा है कि उस मुद्दे को भी करीब करीब हल कर लिया गया है। अतिविश्वसनीय सूत्र के मुताबिक अगर बातचीत ठीक रास्ते पर चली तो पीएम मोदी के बिहार दौरे के पहले और 5 फरवरी से पहले समीकरण बदलने की तैयारी करीब करीब ट्रैक पकड़ चुकी है। हम आपको इसके बाद ऐसी विस्फोटक खबर देने जा रहे हैं जो आपके बाकी सारे अनुमानों, राजनीतिक पंडितों के सारे कयासों को ध्वस्त कर देगी। लेकिन उससे पहले बात अभी करते हैं कि क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट से आपको काफी कुछ अंदाजा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। कभी नीतीश कुमार की पार्टी के धाकड़ प्रवक्ता रहे और अब जेडीयू के स्टेट जनरल सेक्रेटरी निखिल मंडल ने इस ट्वीट का जवाब सिर्फ एक लाइन में दे दिया है। निखिल मंडल की पहचान उन नेताओं में होती है जो बड़े सटीक शब्दों में अपनी बात रख देते हैं। मधेपुरा में भी एक बड़ा वर्ग है जो निखिल मंडल के साथ हमेशा खड़ा रहता है। उन्हीं निखिल मंडल ने रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद ट्वीट किया, इसे आप जवाबी ट्वीट भी कह सकते हैं। निखिल ने कहा कि हमारे नेता पूरा बिहार मेरा परिवार इसी सोच से चलते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से खुलकर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व विधानसभा चुनाव उम्मीदवार निखिल आनंद ने काफी कुछ क्लियर कर ही दिया है। उन्होंने कहा कि 2020 में बिहार की जनता ने भाजपा जदयू गठबंधन को बहुमत दिया, लेकिन नीतीश जी यू टर्न लेकर राजद के साथ सरकार चला रहे हैं। भाजपा इस अनैतिक गठबंधन का नैतिक और राजनीतिक तौर पर विरोध करती है और करती रहेगी, लेकिन नीतीश जी को बदतमीजी घोषित करने वाला रोहिणी आचार्य का बयान निंदनीय है। महागठबंधन के एक सूत्र ने बताया कि अब नीतीश नहीं रुकने वाले। यहां तक कि इस सूत्र ने दावा किया है कि पूरा खेल होने में बस 2 से 3 दिन ही बचे हैं। यही नहीं, सूत्र ने बताया कि सारा खेल ठाकुर के नाम पर तय हो गया है। ठाकुर से मतलब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। महागठबंधन के इस सूत्र के मुताबिक आरजेडी ने भी अब ये मान लिया है कि समीकरण पलटने वाला है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी कोई बयान आने की गुंजाइश कम है। और बड़ी खबर तो ये है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना ट्वीट थोड़ी ही देर बाद डिलीट कर दिया। हमारे महागठबंधन के सूत्र के मुताबिक अब सुलगते बयानों की बौछार तब होगी जब समीकरण बदलने का दावा मूर्त रूप ले लेगा।